डेजी, क्या तुम्हारे पास थोड़े और डायमंड्स हैं? क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 2 डायमंड हैं, मेरे को ऑब्सीडियन माइन करना है। क्या ये क्या है? ये सही नहीं हुआ। क्या तू ठीक? ओह माय गॉड। नॉक नॉक, डेजी क्या तू ठीक है? डेजी ये क्या हो रहा है? क्या तू ठीक है? और ये इतना बढ़िया सा फर्नीचर कहाँ से लेकर आई गई? हाय, क्या तू कल रात को सोई थी? सोना? क्या सोना? सोना वो वाला जो करते हम लोग? नहीं, मुझे नहीं सोना, मेरे को बस आंसर चाहिए। आंसर क्या मतलब है तेरा? रुक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ माय गॉड, भाई इतने सारे कुकीज क्यों है फ्लोर पे? और ये किधर जा रही है? ओ माय गॉड, ये क्या है? जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। और मैं क्या करूँ इतने सारे कुकीज का, ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। वेट, तू खाना बना रही है? दादी ने मेरे को एक नई कुकी की रेसिपी भेजी थी, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही। ये इतने ज्यादा गंदे बने हैं, मैं ये खा ही नहीं सकती। ये कुकीज काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। डेजी तेरे को बस दादी के कुकीज ही क्यों चाहिए? वो बहुत पहले आए थे, और ये भी ठीक है, इतने बुरे नहीं है वैसे ये। अब मेरे पास बस ये एक ही कुकी है जो दादी जी ने भेजे थे। वैसे ये कुकी कितने पुराने? वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट की बात ये है कि ये कुकीज खत्म होने वाले हैं, और ये कुकी सबसे बेस्ट एज कस्ट है, और अगर ये मेरे को नहीं मिले तो मैं पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। ओके ओके डीसी, काम डाउन। वैसे ये कुकीज में इतना क्या खास है? वैसे मैं टेस्ट कर सकता हूँ? नहीं नहीं, तू नहीं कर सकता। अगर मैं थोड़ा सा बाइट ले लूंगा तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं? आउ, 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 चाउ। वैसे तेरी आंखें गिर रही है डेजी, मैं बोलता हूँ कि तू थोड़ी देर के लिए सो जा। मुझे नींद नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने बोला मेरे को चाहिए आंसर्स। ठीक है बता डेजी कि ये कुकीज में ऐसा क्या चीज है? ये बने हैं सबसे फाइन अरोमा से, और इसके अंदर चॉकलेट एकदम भर भर के है। बस एक बार तो इसको देख, ये तो देख कितने बढ़िया लग रहे हैं। शायद से डेजी मुझे लगता है कि तुझे तेरी दवाइयाँ खा लेनी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए दवाइयाँ। नॉक नॉक। हेलो, यो व्हाट इज़ अप, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाय, क्या मदद कर सकता हूँ मैं? सर, क्या आप इतो हो? हाँ, क्यों? इसको तो पता ही नहीं है कि इसे क्या होने वाला है। पावल मेरे को पूछता है कि वो है। वो फोन के अंदर ऐसा क्या है? क्या तुम लोग रिकॉर्ड कर रहे हो? नहीं नहीं, हम बिल्कुल रिकॉर्ड। तुम लोग ऐसे सस के तरह एक्ट क्यों कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? हे, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है ना? मैं अंदर आ जाऊंगा तो तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी ना? हा हा, बस हम लोग तो अकेले आए हैं। मेरे कुकीज। ओह वाह, कितने बढ़िया कुकीज है। मेरे कुकीज। गाइस, वो तुम्हारी कुकीज नहीं है वैसे। ओह मेरे कुकीज। ओह मैन, अब मेरे को नींद आ रही है, सोना पड़ेगा अब। क्या? ओह डूड, इसका थंबनेल काफी बढ़िया आएगा। क्या तुमने उसका फ्लावर उखाड़ दिया? ओए देख, मैं नहीं दूंगा। ओए मैंने लिखा है, इतनी मुश्किल से हट, मैं नहीं दूंगा। ओए चल यहां से, चल यहां से, चल। गाइस ए, वापस आओ। डेजी क्या तू ठीक? ओह नो, वापस से नहीं। ओके, तो दोबारा से मेरे को उसके ऊपर कोई फ्लावर लगाने पड़ेंगे। ये रेड वाला उसको कुछ ज्यादा ही दिलदार बना देती है, और मैं विदर वाला तो बिल्कुल नहीं लगा रहा, वरना उससे तो वो काफी ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाती है। ये काम कर जाएगा मेरे ख्याल से। ओके, डेजी ठीक हो जा। डेजी क्या तू ठीक है? कैसा फील कर रही है अब तू? तूने उनको अंदर आने दिया, और उसी के वजह से वो मेरे कुकीज भी खा गए, और इतना सारा कचरा पट्टी भी। ये देखो कितना गंदा हो गया फ्लोर हमारा। ये देखो कुछ साफ करवाई नाम की चीज भी नहीं है यहाँ पर। ओके डेजी काम डाउन। डेजी काम डाउन, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रुक, अभी मैं तेरे को बताती हूँ। मेरे घर के अंदर क्यों जा रही है डेजी? क्या करने वाली तू? ओह नो, मेरा घर तोड़ रही है तू। ओ माय गॉड। तो ये तेरी बकेट है? हाँ, तेरी प्यारी बकेट, तेरी फेवरेट बकेट है ना? तेरी प्ली बकेट। डेजी नहीं, डेजी दूर हट जाओ। डेजी नहीं, डेजी इधर आ जाइए। देखिए कुकीज खा ले। मुझे तेरी ये स्टूपिड कुकीज नहीं चाहिए। हैप्पी रहे डेजी, हैप्पी रहे। तेरे को याद है ना थेरेपिस्ट ने क्या कहा था हैप्पी रहने को? डेजी मेरे घर तोड़ना बंद करेगी यार, प्लीज बंद कर दे। मेरा घर, मेरा बकेट। मेरे घर पे बेसमेंट भी था। क्रेजी, पर मेरा घर चला गया। डेजी तू कैसे कर सकती है ये? तू उनको अंदर आने कैसे दिया? डेजी देख, इधर आ, और ये खा के देख, ये कुकी खा के देख, ठीक है? शायद से तो ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए तेरी स्टूपिड कुकीज। फिर मैं इसे जला दूंगा। तू चाहती है कि मैं इसको जला दूं? हाँ। अच्छा, डेजी थोड़ा शांत रहने की ट्राई कर। मैंने तेरी हेल्प करने की कोशिश करी, और तूने मेरा घर जला दिया। ले कुकीज मत खा, लेकिन ये मेरी चीज स्टिक्स खा ले, ठीक है? ये खा, और थोड़ा दिमाग शांत रख अपना। ओके डेजी, तो ब्रीथ इन,
तो मैं विलेजर्स को ढूंढने जाऊंगा और ये सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, और उनसे फ्लावर लेके तेरे सर पे वापस से लगा दूंगा, ठीक है? क्या किसी ने फ्लावर कहा? तुम कौन हो? मैं फ्लावर गार्डन से आई हूँ और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर है, तो तुमको चाहिए क्या फ्लावर्स? तुम्हें पता है ना कि मेरे को बहुत ज्यादा फ्लावर्स पसंद है, लेकिन मेरे को बस अभी एक ही फ्लावर चाहिए तो नहीं। हाँ तो मैं एक फ्लावर भी दे सकती हूँ। मेरे को लगता है कि तुम तो गरीब आदमी हो तो तुम तो ये ले ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो एक का बहाना कर रहे हो। वैसे अगर तुम्हें पॉपी चाहिए तो मैं वो भी दे सकती हूँ, पर्पल वाला भी दे सकती हूँ। अगर चाहिए तो व्हाइट वाले फ्लावर भी है मेरे पास, तो अगर तुम्हें वो भी चाहिए तो वो भी मैं। ओ, क्या ये बड़ी हो गई डेजी? क्या तो बड़ी हो गई? एक मिनट, तू मेरे से भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। वेट, शायद से वो फ्लावर। तुझे कैसा फील हो रहा है क्योंकि तू थोड़ी देर पहले शॉर्टर थी और अब बड़ी हो गई? क्या बोला तूने मेरे को? कि तू थोड़ी सी छोटी सी थी। केरी, हिम्मत कैसे हुई? Oh my God, Daisy! मेरे ख्याल से वो ठीक है। अब क्या तेरे को भी मेरे को कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं बोलना मेरे को। मेरे को बोलना आता ही नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पर ठहर रहा हूँ। थेरेपिस्ट ने मेरे को हैप्पी रहने को बोला कैसे? हाँ, उससे बात कर तू जाके। वो ग्रेट आइडिया नहीं है डेजी, ये मैं नहीं सोच रहा था। डेजी, क्या कर रही है ये तू? रुक जा, अब ये पूरा का पूरा विलेज जलने वाला है। डेजी, ओ माय गॉड, जलन हो रही है मेरे को, अब बहुत दर्द हो रहा है। हेल्प! हेलो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। मशरूम, क्या तू ठीक है? मेरे पेरेंट्स की मदद कर प्लीज। हाँ ओके, मैं मदद करूंगा। लेके चल मेरे को। ओके, किधर है वो तेरे? ओ माय गॉड, रुक बेबी मशरूम, रुक, मैं कुछ करता हूँ। रुक, मैं उनको अभी सांसें दे रहा हूँ, रुक जा। मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना? ओके। ओ माय गॉड, हॉस्पिटल यही। ओ नो विलेज, ओ नो डेजी, कोई हमारी मदद करो। हेलो, ओ माय गॉड, ओ क्या 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 तुम लोग ठीक हो? ओ ओ ओ ओ नो, जलन हो रही है। प्लीज हमारी मदद करो। ओके बेबी ज़ॉम्बी, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? ओके, तो तुमको बस एक काम करना है, तुमको ये पानी के अंदर जंप करना है, फायर को अवॉइड करना, ठीक है? पानी के अंदर जंप करना। ओके, 3, 2, 1। मेरे ख्याल से वो ठीक है। ओके बड़े विलेजर, तुमको ये पानी के अंदर जंप करना है, ठीक है? मैं जानता हूँ तू कर सकता है, बस ठीक है, कूद जा। ओके गो कूद जा। पानी के अंदर चाहिए, क्या कर रहा है तू? ओके, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे ख्याल से, मैं बाकी के विलेजर को बचा सकता हूँ। क्या तुम ठीक हो? मेरे को बाहर निकलना है। क्या मैंने तुम्हें पहले मरते हुए देखा है? नहीं। ठीक है फिर। कैसे बचो इसको अब? ओके, मेरे पास है एक आइडिया। तेरे पास आइडिया भी है? हाँ है। ते क्या मतलब है तेरा? मेरे शक्ल से क्या लगता है तुम्हें? मेरे पास होते हैं आइडियाज। हाँ, मैं स्मार्टेस्ट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं स्मार्टेस्ट हूँ। ओके, तो पहले ग्लास तोड़ेंगे, ठीक है ना? और अब एकदम शांति से खड़े रहे। क्या कर रहा है ये? अब एक होल बन जाएगा और तुम बाहर आ जाएगा। ओके, मेरे को लगता है हमने वो विलेजर को बचा लिया है, अब बाकी के विलेजर्स को बचाते हैं। बिल्लो बग्गे बिल्ले अड्डा की करेगी। हेलो, बग्गे बिल्ले अड्डा की करेगी। हेलो, हाय, ये तू क्या कर रहा है वैसे? बाजरे के खेत में चल रहा हूँ। हाँ, वो मैं देख सकता हूँ, लेकिन तू क्या ये नहीं देख सकता कि ये पूरा विलेज जल रहा है? यहाँ पर बहुत सारा धुआं उड़ रहा है वैसे। हाँ, तो तुझे नहीं लगता कि तेरे को ये बाकी के विलेजर्स को लेके यहाँ से भाग जाना चाहिए? बट फिर मेरे क्रॉप्स का क्या? तू ले सकता है वो, तू लेके यहाँ से जल्दी जा सकता है ना, वरना वो भी जल जाएंगे। हाँ, बात तो सही है। तेरे को पता है क्या? निकल, तू यहाँ से निकल, बिना कुछ भी लिए निकल यहाँ से। ओह माय गॉड, ये विलेजर्स भी ना, अब ये क्या है? फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। डिजी रुक। ओ नहीं, अब मैं तेरे को मार दूंगी। डिजी, रुक, काम डाउन, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। डिजी, काम डाउन, देख तूने क्या करा, तूने पूरे विलेज को जला दिया। हाँ तो उन्होंने लिए मेरे कुकीज। वॉयलेंस आंसर नहीं है डिजी, तेरे को पता है ना थेरेपिस्ट ने क्या कहा था? वॉयलेंस हमेशा से आंसर है। ठीक है डेजी, मुझे पता है कि थेरेपिस्ट ने एक और चीज बोली थी, लिसन टू कॉमिंग म्यूजिक। उई कैमरा बंद तेरी, कॉपीराइट है। रिलैक्स डेजी, रिलैक्स, एक लंबी सी सांसें ले, अब सांसें छोड़।
ओके ये स्टेबल है अब ओके निकलो यहाँ से निकलो दफा हो जाओ यहाँ से मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ अभी निकलो यहाँ से ओके सुन डेजी सब कुछ ठीक हो जाएगा ये ले स्टेक खा और आराम से तेरे को भूख लग रही होगी डॉक्टर ने क्या बोला था तेरे को पता है ना पूरा विलेज को तूने जला तो दिया है लेकिन शायद से तेरा स्ट्रेस कम कर सके पता है विलेज को पूरा जलाने के बाद अभी मेरे चैन को थोड़ा ठंडक मिल रही है शायद से अब मैं उन्हें छोड़ दूंगी शायद से मैं उन्हें छोड़ दूंगी क्या किसी ने काम बोला है वैसे मेरे पास एक न्यू कामिंग म्यूजिक है अगर वो सुन लोगे तो एकदम सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा मुझे नहीं लगता कि वो एक समय सही आइडिया है हाँ हाँ डेजी याद है ना हैप्पी प्लेस हैप्पी वर्क भाई भाई यहाँ से निकल ले भाई वरना तेरी टांटी टूट जाएगी कीरा गाना है घटिया हम यू सेटल डाउन कर सकते हैं और दम तू अपने गाने सुन मेरे ख्याल से मेरा गाने बहुत आग जैसे होते हैं एकदम गरम गरम मत से गरम वो भी तेरे गाने वो देख वो है विलेज वो भी आग के अंदर और ये तेरा गाना बिल्कुल नहीं अब निकल यहाँ से डेवी सुन सुन ब्रीथ ले सांसें ले मैं तेरे को और कुकीज लाके दे दूंगा मुझे वो लोग चाहिए क्या वो लोग क्या चाहिए मैं उन्हें ढूंढ लुका लूंगी चाहे वो पार पार लोग में भी हो डेजी डेजी वापस आ जा तू ऐसा नहीं कर सकती ओ तो तू है जमानी मदद करते है सुन एक डील करते हैं तू मेरे को फ्लावर देती है और मैं तेरे को छोड़ दूंगा तू मेरे को फ्लावर दे दे या तो मैं तेरे को जला दूंगा थैंक यू और अगर मैं तेरे पोजीशन पे होता तो मैं यहाँ पर एक कवर ढूंढने की ट्राई करता शायद से कोई एक दूसरी कंट्री में चल जा ओके डेजी को कुछ ना कुछ तरीके से सुलाना पड़ेगा ओह माय गॉड तू नहीं कोई भी चलेगा बट तू नहीं ओके तो तू लास्ट पर्सन है जो अभी तक बचा हुआ है डेजी के गुस्से से क्या मतलब है तेरा क्या तेरे पास कोई आइटम है जिससे हम किसी को सुला सके लाइक एक 30 हाइट के बंदी को किसी को सुला सके हम हाँ वैसे मेरे पास ये है सोडा पॉप बस उसको ये पिला दे और वो एकदम सो जाएगी मेरे को नहीं लगता कि ये इसमें कुछ काम आएगा चीनी हमारी मदद नहीं कर पाएगी सो ये बेबी बॉटल का क्या ख्याल है इसके अंदर दूध है क्या तेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं है यानी कोई और केमिकली इंड्यूसिंग ऐसे कुछ टाइप की कोई चीज ठीक है पर उसके लिए 2 डायमंड लगेंगे हाँ मेरे पास सिर्फ 2 डायमंड है वैसे तेरे को कैसे पता चला ये पता चला क्या ठीक है तेरे साथ बिजनेस करने में मजा आया स्लीपिंग पोशन तो ये काम कैसे करता है बस इसको उसके ऊपर फेंक दे और ग्लास की टेंशन मत ले वो टूटेगा नहीं ठीक है ना एकदम काम की चीज है वो तो वो टूटेगा नहीं बस उसके ऊपर फेंक दे वैसे मैं तेरी घटिया चीजें लेता नहीं हूँ लेकिन कभी लेकिन शायद से ये काम कर जाएगा ओके ओके गुड बाय थैंक यू ट्रेडर ओके ओके मैं फायर देख सकता हूँ मैं डीजी का घर भी देख सकता हूँ ओ माय गॉड मरने वाले हो ओ माय गॉड ओ माय गॉड ये सब बॉडीज क्या कर रही है यहाँ पर ओए हट जा दूर हट जा हम लोगों से सैंड्रा हाय तो तू कौन है तेरे ग्लासेस किधर है डीजी ने उनपे पैर रख दिया और मैं कुछ देख भी नहीं सकती वो डीजी है ना ओ हाँ वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई अब मेरे ख्याल से हम ये एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं ये काम कर सकता है नहीं 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 रुको 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 मेरे पास क्योर है मैं ठीक कर सकता हूँ सुन सुन इतो इतो ये सिर्फ एक ही तरीका है ये काम कर जाएगा हाय गाइस मैं याद हूँ क्या तू वही बंदा है ना जिसकी वजह से ये वापस से पागल हो गई ओह हाँ वैसे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ये वाला गाना में बीट्स काफी ज्यादा बढ़िया है वो है ना डेजी को एकदम ठीक कर देंगे मैं मेरे पे ट्रस्ट करो मैंने पहले तेरे ऊपर ट्रस्ट करा था लेकिन वो काम नहीं करा ये काफी ज्यादा बड़ी हो गई उसके वजह से मेरे को प्रूफ करने दो कि ये मिक्स टेप ये पूरी दुनिया को बचा लेगी मुझे नहीं लगता कि ये सही आइडिया है ट्राई करके देखते हैं क्या तो ये लो स्मूथिंग रिमिक्स बीट्स ओ ओ ओ ओ देख 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 ओ भाई देख के देख ओ ओ माय गॉड ओ माय गॉड उड़ के गया भाई वो तो व्हाट द हेल ये क्या हो गया यहाँ पर उड़ा देते इसे उड़ा देते नहीं 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 रुको ट्रस्ट मी मेरे पे ट्रस्ट करो ओके डेजी डेजी इधर आ जा डेजी इधर आ जा डेजी बस रिलैक्स कर डीप ब्रेथ ले तुझे लगता है कि मैं रिलैक्स कर सकती हूँ गाइस गाइस डोंट वरी सुन डेजी मेरे पास दवाई जिससे तू ठीक हो जाएगी मुझे कुछ नहीं सुनना डेजी देख तूने क्या करा देख वहाँ पर लाशें बिछी हुई है सैंड्रा ने अपने ग्लासेस तोड़ दिए और वो पता नहीं कौन है लेकिन देख तू आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है डेजी तू एकदम बच्चा जैसा है मैं तेरी बात क्यों सुनूं जबकि तू एकदम छोटू सा बच्चा है वैसे हम लोग सेम ही हाइट के हैं ना ये ले मेडिसिन ये तूने क्या दे दिया शायद से ये काम कर रहा है ओ फाइनली ये ठीक हो गई ओ ओ डेजी डेजी शायद से काम कर रहा है शायद से काम कर रहा है वो उसको नींद आ रही है सुन ये गाना सुन डेजी ये गाना सुन मुझे पता है तेरे को नींद आ रही है सो जा अब ओके ये ले लो ये क्या है गिफ्ट है मेरे तरफ से ये ओह
थैंक यू इतो। हाँ बट उसको अपने सर पे मत रख लेना। हाँ ओके थैंक यू इतो, मेरे को फूल काफी ज्यादा पसंद है, मैं अपने पूरे घर में अभी यही सुनते जाऊंगी। एंड बुप। अच्छा लग रहा है। क्या तो ठीक है, क्या तेरे को नींद आ रही है? नींद तो आ रही है। हाँ ये बहुत बड़ा दिन था डिजी, और हाँ तेरी कुकिंग थोड़ी इतनी अच्छे से नहीं गई वैसे आज। वैसे ये तेरे घर को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वैसे मेरा घर ठीक ही है। और मैं तेरा ये पी बकेट क्यों होल्ड कर रही हूँ? कोई बात नहीं डिजी, बस अब तेरे को सोना है ठीक है, तेरे को नींद आ रही है मेरे को पता है, बस घर में जाके सो जाओ। ओके बस जाके सो जाओ। ठीक है। ओह माय गॉड ये सब कुछ ठीक हो गया, ये सब कुछ अवॉइड हो जाता अगर ये सो जाती तो। बट चलो ठीक है ये सब हो गया एकदम शांत। ओके नहीं शांत तो नहीं हुआ वैसे। ओके अब मेरे को पता नहीं मैं कहाँ पर सोने वाला हूँ, बट ठीक है चलो वो फिगर आउट कर लेंगे, बाहर जाके एक बार देख लेते हैं। ओ रुक रुक, मेरे को एकदम सही टेप मिल गई अभी। नहीं दोबारा नहीं। द रिदमिक बीट्स। क्या तूने भी वो आवाज सुनी? ओ क्या है वहाँ पर, कुछ है क्या? ओ नो नहीं। ओ डेजी दोबारा से नहीं।